नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो पीजी पोर्टल के बारे में बताने के लिए मैं आज आया हूं, और खास तौर से आईटीआई स्टूडेंट को, और अगर चाहें तो आईटीआई वाले भी पीजी पोर्टल पर शिकायत करके अपनी जानकारी मांग सकते हैं। पीजी पोर्टल है क्या? सीधे सीधे ये पीएमओ के अंडर में रहता है। यहाँ पे आप शिकायत जो भी करोगे तो निश्चित ही 30 दिन के अंदर इनको जवाब देना पड़ेगा, और सही जवाब देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि आपने डीजीटी के ऊपर लगाया कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं अपडेट हो रहा, तो डीजीटी बिल्कुल आंसर मांगेगी। किससे आंसर मांगेगी? स्टेट डायरेक्टर से, स्टेट डायरेक्टर नोडल से मांग करके आपको देगा और बताएगा। डीजीटी बताएगी भी कि आपका जो नंबर है तो नोडल ने नहीं चढ़ाया है, स्टेट ने नहीं चढ़ाया है। तो फिर आप उसकी शिकायत आरटीआई लगा करके करेंगे, और फिर उसकी शिकायत आप पीएमओ में करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहां इसको देख लें कि कैसे लगाते हैं, फिर आगे चल करके बात करते हैं। अपन गूगल पे जाएंगे और यहां पे जो है तो टाइप करेंगे पीजी पोर्टल के बारे में। यहां पीजी पोर्टल आ जाएगा, वहां यहां पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद इसको रजिस्टर्ड करेंगे। यहाँ पे रजिस्टर्ड करने के लिए क्लिक का ऑप्शन ये है आपका। यहाँ आप अपना नाम डालिए, जो भी आपका नाम हो। आराम से फॉर्म भरिएगा थोड़ा सा, है ना। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो फिर आपको दिक्कत चली जाएगी, वो फिर लेगा नहीं, बहुत सारी दिक्कतें करता है। तो आराम से एक एक चीज को एक बार कर लेंगे ना, तो आपको फिर बार बार दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपके पास फोन नंबर है, यहाँ अगर आप एक्स सर्विसमैन नौकरी नहीं करते हैं तो आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे नो पे ही आइएगा, यहाँ मेल कर दीजिएगा। यहाँ कंट्री में इंडिया ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आप अपना भर दीजिए। जैसे मैं भर देता हूँ अपना भोपाल है को। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप अपना, इसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। इसके बाद इस कोड को बहुत ध्यान से आप डालिएगा, कोड ही मेन चीज है। ये वाला कोड है जो ये दिख रहा है, को सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके चला जाएगा वहां पे। अब बोलेगा कि आप अपने ईमेल एड्रेस खोलिए और वहां से आप फिर लॉगिन करिए, बैक चले जाइए आप और अपना जो है तो वो खोल लीजिए, ईमेल एड्रेस खोल लीजिए। तो यहां आपको ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा, इसको आप उठाइए और इसको क्या करिए, इसको इतने को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद उसको गूगल पे ले आ करके, अब यहाँ पे आपको जो है तो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। थोड़ी गवर्नमेंट की है, बहुत वैसे करना पड़ता है, आप इतना मान लीजिए। ठीक है, अब ये ओटीपी के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे पहले आप ओटीपी दिलवा दीजिए। ओटीपी सेंट हो गया तो अब बताएगा कि आपका क्या ओटीपी है, जो मोबाइल नंबर पर आ गया होगा। आप ओटीपी डालिए, आराम आराम से काम करिएगा, बिल्कुल बहुत आराम से काम करिए, बहुत आराम आराम से काम करिएगा भाई। भाई और यहाँ ओटीपी अपना डाल दीजिए, वहाँ ओटीपी डाल दीजिए, और यहाँ पे जो है तो सिक्योरिटी कोड वाला जन डाल दीजिए। यू बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये देखिए, एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप इसको सबमिट कर देते हैं। अब जैसा सबमिट करेंगे, देखिए सबमिट हो गया। सबमिट हो जाने के बाद ये क्या करेगा कि यूजर यहाँ आ जाएगा, यूजर और पासवर्ड बनाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना एक यूजर बना दिया। ठीक है, पासवर्ड बनाने जा रहा हूँ, आप पासवर्ड देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे इसको कंफर्म वाले में जाइए। इसके बाद इसका कोड को डालिए।
बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबमिट हो गया, ठीक है, अब आपका जो है तो सबमिट हो गया। आप जो है तो आप अपनी यहाँ पे, अब जब बन गया सारी चीज़ें तो यहाँ आइए, यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम दिया, पासवर्ड मेरा पहले से था, बहुत ध्यान से एक दो बार उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अब जब ऐसे करेंगे तो आपको यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पे जो है तो आपको शिकायत दर्ज करनी है, अब यहां देखिए आपको ग्रीवांसेस पे जाना है, यहां पे इस पर लॉग इन करना है, इसको एग्री करके यहां पे इसको सबमिट कर देना। अब आप कहां लगाना चाहते हैं ये देख लीजिए, आप एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रीवांसेस में जाएंगे, यहां पे जाएंगे, इसके बाद ये इसको एग्री करेंगे और ये सबमिट करेंगे, तो आपको कहां जाना है ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मिनिस्ट्री देखने के लिए यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ आपको बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक करके खोलिएगा, ठीक है। और इसमें अपन जो है तो ढूंढेंगे, थोड़ा सा ये काम जो है ना बहुत अच्छे से करना पड़ता है मेरे भाई, स्किल डेवलपमेंट में आएगा, कहाँ कहाँ डालना है तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है अपने को। ये देखिए स्किल डेवलपमेंट आ गया ना, तो स्किल डेवलपमेंट पे करिएगा, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट में जब आप करने जाएंगे तो वहाँ वो पूछेगा कि कहाँ स्किल डेवलपमेंट में भी किसके लिए, तो आपको ये डीजीटी वाला देख रहे हो ना, ये डीजीटी लिखा हुआ है, यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ फिर पूछेगा कैटेगरी लेवल, पूछेगा कि आपको किसका क्या करवाना है, कैसे करवाना है, ट्रेनिंग सेंटर के रिलेटेड है या किसके रिलेटेड है, यहाँ पे आपको चले जाना है कि पॉलिटेक्निक रिलेटेड है, तो यहाँ पे अपन ने डाल दिया ये वाला ट्रेनिंग सेंटर रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये पूछेगा कि क्या अफिलेशन संबंधित है या पोर्टल संबंधित है इशू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है MIS के उसमें MIS पोर्टल इशू, फिर यहाँ पे कैटेगरी डालना है क्या आपको रिलेटेड स्टूडेंट डाटा अपडेटिंग, यहाँ पे इसमें आना है, ठीक है। यहाँ पे आप आए तो यहाँ जो है तो फिर आपको यहाँ आपको मिल गया, देखिए यहाँ आ गया रिलेटेड टू स्टूडेंट डाटा अपलोडिंग। यहाँ पे जो भी चीज़ है आप शिकायत करिए और यहाँ पे आप अपना जो है तो प्रवेश पत्र डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ डाउनलोड करके प्रवेश पत्र डाल लीजिए और यहाँ जो भी आपको वो करना है वो करके अटैच करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे हमने, अब हमको उतना सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, नेक्स्ट जैसे करेंगे आप तो एक बार आपसे फिर से सारी चीज़ें पूछेगा और पूछने के बाद वो यहाँ पे जाने के बाद ये आपका तो कोई रेफरेंस नंबर देना तो दीजिए, नहीं तो बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जैसे आप लगाएंगे वैसे जो है तो वो हो जाएगा। ये देखिए आप 0 माने ये आप डाल लेंगे तो आपको हो जाएगा, करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है ना, कि हमको एक चीज़ बतानी है यहाँ, ठीक है। यहाँ आप सबमिट कर दिए, बस आपका काम हो गया है, वेट करिए थोड़ी देर तक और इसके बाद जो है तो चला करिए। अब जब भी कभी आपको देखना है कि आपको व्यू देखना है तो आप जो है तो अपना यूजर पासवर्ड आप डालिए और यहाँ पर डाल करके आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ,
आप इसको एक दो दिन के अंदर आपको यहाँ पे व्यू स्टेटस में जाना पड़ेगा, और व्यू स्टेटस में जा करके आपका जो रजिस्टर्ड नंबर रहता है, और वो रजिस्टर्ड नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आपके मेल पे मिलेगा, ठीक है ना। आप अब यहाँ देखेंगे तो आपके पास मेल आ जाएगा, टाइम लगता है थोड़ा सा, एक मेल पे कोड आ जाएगा, उस कोड को यहाँ से उठाइएगा। ये देखिए मेल पे आपको जो है तो एक ग्रीवांसेस रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, और इस रजिस्ट्रेशन को आप उठाएंगे, यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप जो है तो इसमें चले जाएंगे व्यू वाले में, यहाँ पे जा करके आप अपना ये डालेंगे, और अपना जो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो भी आप डाले हों वो डालेंगे, इसके बाद आप इसको डालेंगे, और सबमिट जैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप अपना ईमेल फोन डालिएगा, और यहाँ पर जो है तो थोड़ी सी ये दिक्कत करती है वेबसाइट, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, है ना, आराम से थोड़ा सा इसको पढ़ करके अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका पूरा स्टेटस आ जाएगा यहाँ पर, क्या हुआ, क्या आपने डाला है और क्या नहीं डाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आपको व्यू भी देखने को मिल जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है, यहाँ से जा करके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बैक टू स्टूडियो। देखिए, मेरे दिखाने का मतलब ये था कि आप लोग जागरूक हो। पीजी पोर्टल भी एक महीने के अंदर देता है, यहाँ पर एक मैडम का फ़ोन भी आएगा कि अगर आपके संतुष्ट नहीं है तो एक बार दोबारा लगेगा। यहाँ क्या होता है ना कि आपके हर चीज़ को ओरिजिनलिटी के साथ में चीज़ें बताई जाती हैं। अगर डीजीटी के बस में है, डीजीटी के ऊपर है, तो डीजीटी पूरा काम आपका कर देगी। अगर मान के चलिए कुछ स्टेट और नोडल में है, तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आप अपने नोडल और स्टेट से संपर्क करिए, ठीक है ना, तो आपको एक रास्ता मिल जाता है। तो पीजी पोर्टल को आप निकाल करके अपने स्टेट वाले के पास जाएं, वहां आरटीआई लगाएं, वहां सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करें कि देख लीजिए सर, ये झूठ जो बोलते हैं नोडल वाले, करें मैंने तो नंबर चढ़ा दिया है, मैंने सब कुछ कर दिया, वो डीजीटी से नहीं हुआ। तो दूध का दूध पानी का पानी यहां हो जाता है। यहां डीजीटी बिल्कुल फेयर काम करती है। अगर उसके बस की चीजें हैं, सीबीटी वाला है, एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम कब होगा आपका, कैसे क्या होगा, वो बहुत सारी चीजें आप यहां पे पूछ सकते हैं कि आपके प्रोफाइल का बहुत दिन से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो वो जब आप शिकायत करेंगे यहाँ पे, तो आपका एक निराकरण होगा, ठीक है ना। और अगर निराकरण नहीं होता है, तो उसकी फोटो कॉपी लेने के बाद आपको मैं एक एड्रेस दे रहा हूँ, ये पीएमओ ऑफिस का है। पीएमओ ऑफिस में जब भी कभी आप लगाएं, तो बहुत मर्यादित होकर के लगाएं, एक अप्लीकेशन लिखें, और डीजीटी वाला जो आपका वो आया है, लेटर आया है, जो आपके समाधान हुए हैं, उसका प्रिंट निकाल करके या आरटीआई का प्रिंट निकाल करके आप दें, और उनको बताएं, लिखें पीएमओ महोदय को कि सर ये है, लेकिन अपना पूरी सारी चीज़ें लिखें, आप अपना नाम लिखें, पता लिखें, किस सन में आईटीआई किए हैं आप, कहाँ से आईटीआई है, उस आईटीआई वाले का नंबर दें, अपना रोल नंबर दें, अपना एडमिट कार्ड दें, अपना फ़ोन नंबर दें, अपना पूरा पता दें, सारी चीज़ें लिखें, और डॉक्यूमेंटेशन लगाइए कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या दिक्कतें आपके साथ में हुई है, आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, आपका रिजल्ट नहीं अपडेट हो रहा है, आपके साथ में ऐसा कोई नोडल कर रहा है, आपके साथ में आईटीआई ऐसे कर रही है, आपके साथ में डीजीटी ऐसे कर रहे हैं, उसको जो है तो पूरा दो कॉपी बना करके, एक कॉपी अपने पास रखिए, और एक कॉपी जो है तो जो मैं ये एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहां पे आप रजिस्ट्री से पोस्ट ऑफिस में जाकर के इसको पोस्ट कर दीजिए। ये पहुंचेगा 10 से 1 दिन में पहुंच जाता है, 5 से 10 दिन, 1 हफ्ते के बीच में छुट्टी रहती तो वहां पहुंच जाएगा, वहां कार्रवाई होगी, वहां से कार्रवाई होकर आपके पास उसका निदान आ जाएगा। और जब पीएमओ में शिकायत हो जाती है तो हड़कंप मच जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको जितनी बार शिकायत करनी है आईटीआई स्टूडेंट, तो ये पीजी पोर्टल पे और आरटीआई पे जब आप सबूत निकाल लें, आपके पास सबूत होगा, क्योंकि पीएमओ बोलेगा कि आपने क्या ऐसे किया था, हां सर ये लास्ट ऑप्शन है, हां सर मैंने ये सारी चीज की थी, यहां से की थी, मैंने पीजी पोर्टल पे किया था, सब कुछ किया था, मैं बहुत परेशान हूं और नहीं हो रही है सुनवाई, तब फिर वो लोग बोलेंगे। लेकिन लास्ट ऑप्शन आपका पीएमओ ऑफिस में होना चाहिए, शिकायत होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। लेकिन सबूत
तथ्य आपको रखना पड़ेगा, एड्रेस आपको सही लिखना पड़ेगा ताकि आपके यहाँ लेटर पहुँच जाए, मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, मोबाइल आपको बंद नहीं होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। जिस ITI के नाम से आप शिकायत कर रहे हैं उस ITI का नाम, पता और बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए उसकी, और जो शिकायत कर रहे हैं उसके बेस पे आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तभी देखिए PMO वाले ITI वाले नहीं है कि वहाँ पे वो समझेंगे, वो जरूर DGT से पूछेंगे, अधिकारियों से पूछेंगे, तो तुरंत फ़ोन आता है, तुरंत इसका निपटारा फिर महीने भर के अंदर, महीने डेढ़ महीने PMO में लगते हैं, चूँकि उस सब चीज़ों का फिर पूरा निराकरण होकर के ही आपके सामने आता है। तो अगर आपके पास में ऐसी दिक्कतें हैं तो ज़रूर PMO को लिखिए और वहाँ पे शिकायत करिए। मुझको लगता है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, फिर कभी आएंगे तो किसी मुद्दे पर फिर बात करेंगे, फिर अवेयरनेस करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और पानी की बचत भी करिए, और अपने परिवार की भी जो है तो थोड़ी सी इज्जत करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी बहुत धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए। और अब चुनाव आ रहा है तो चुनाव के लिए देखिए आपके वोटर ID कार्ड बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं, और अपना मत जरूर दीजिए, चाहे जिस सरकार को दीजिए। बस एक चीज़ कहूँगा कि जाति धर्म मत देखिए, जो अच्छा आदमी है उसको वोट जरूर दीजिएगा आप। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT, ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।